Hello students, today we will learn the sixth chapter of our environmental studies book, and the chapter is housing we need. हमें घर की ज़रूरत तो है ही, तो आज हम इस चैप्टर में अपने हाउस के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले के क्लासेस में भी आपने हाउस के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा ही है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Look all the pictures given below. नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए आप देख रहे हैं ना. Where do you find these things in your home? आप देखिए तो ये सारा सामान आपके किस कमरे में होता है, आपके घर में कहाँ पर होता है. बकेट कहाँ पर होता है, ये तो बाथरूम में होता है, बाकी खुद बनाना है आपको. ये सोफ़ा है, ये पलंग है, बेड है आपका, ये सब किचन आइटम्स हैं, बुक्स हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर रखते हैं आप अपने घर में, आपको याद करना है. अब हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर को. अ प्लेस वेयर वी लीव इज कॉल्ड अ हाउस. हाउस किसे कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वो हाउस है. वी ऑल नीड अ हाउस फॉर द फॉलोइंग रीजंस. अच्छा, कोई पूछता है कि आपको घर की ज़रूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ हाउस. घर की तो हमें ज़रूरत है, बट क्यों है हम बताएंगे. Our house provides a shelter and keep us safe. हमारा house हमें shelter देता है, हम कहाँ रहेंगे, आश्रय देता है, रहने के लिए जगह देता है, and keep us safe, हमें safe भी रखता है. It protects us from heat, cold, wind and rain. कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, कभी बारिश हो रही है ना, कभी हवा चल रही है तेज. हम घर में हैं तो सेफ है, तो घर हमें हीट से, कोल्ड से, विंड से एंड रेन से बचाता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड विल्ड एनिमल्स. अच्छा, घर तो हमें चोरों से भी बचाता है. अगर हमारे पास घर नहीं हो, आप बाहर सड़क के किनारे सो जाएंगे, तो पता चला रात में चोर आया और आपके सामान लेकर भाग गया. लेकिन आप जब घर में सोते हैं तो आपके आप भी सेफ हैं और आपके गुड्स भी सेफ हैं, आपके सामान भी सेफ हैं. और विल्ड एनिमल्स, ऐसा नहीं कोई खतरनाक जंगली जानवर आके रात में हमें खा जाए, हमें मार दे. घर में है, दरवाज़ा बंद है, गेट बंद है, तो हम सेफ हैं. तो घर की तो हमें ज़रूरत है, बहुत सारा रीज़न है. टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, स्टील एंड आयरन आर कॉल्ड परमानेंट और पक्का हाउसेस. कुछ हाउसेस तो परमानेंट होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने होते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते हैं. ऐसे हाउसेस ब्रिक से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, उसमें वुड का भी यूज़ होता है, स्टील छड़ का भी इस्तेमाल होता है, आयरन का भी इस्तेमाल होता है. ऐसे हाउसेस पक्का हाउस कहलाते हैं. ये पक्का हाउस होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, ये परमानेंट होता है. दे आर मोस्टली बिल्ट इन टाउन्स एंड सिटीज़, एंड सच टाइप ऑफ हाउसेज आर मोस्टली सीन इन टाउन्स एंड सिटीज. हालांकि अब ऐसी बात नहीं है, अब गाँव में भी परमानेंट हाउसेस लोग बना रहे हैं, और काफ़ी अब हर गाँव में आपको ऐसे हाउसेस काफ़ी मिलेंगे. अब लोग घरों में, गाँवों में भी पक्का हाउस मिलने लगे हैं. इन बिग सिटीज़, खूब बड़े बड़े शहरों में, देर आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स विच हैव मैनी फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स. अपार्टमेंट तो आपने देखा होगा, मल्टी स्टोरी कई एक मंजिल का है, उसमें कई एक फ्लैट्स होते हैं, हर फ्लैट में एक एक फैमिली रहता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसे हम लोग अपार्टमेंट कहते हैं. बिग इंडिपेंडेंट हाउसेज नॉन एज बंगलोस कैन ऑल्सो बी सीन इन सिटीज. बड़े बड़े शहरों में बंगलोस भी देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना बंगला, बंगला, बंगलोस, बंगलोस. बंगलोस क्या होते हैं, जो बहुत बड़ा, बहुत पैसे वाला आदमी होता है, वो क्या करता है, एक बड़ा सा घर बनाता है और उसमें खुद अकेले ही रहता है. ऐसा नहीं कि बड़ा घर है तो उसमें ढेर सारे लोग रहें, ऐसा नहीं है. वो अपने लिए एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाता है, बड़ा सा हाउस बनाता है, और वो खुद ही उसमें रहता है. वैसा हाउस बंगलो कहलाता है. पीपल इन हिली एरियाज लिव इन कॉटेजेस विच हैव स्लैंटेड रूफ्स सो दैट स्नो और रेन कैन स्लाइड ऑफ द रूफ ईजिली. आप कभी हिली एरियाज गए होंगे, आप कभी शिमला गए हैं, आप दार्जिलिंग गए हैं, कभी भी कोई पहाड़ी इलाका घूमने के लिए गर्मियों की छुट्टी में. अगर नहीं गए हैं तो आप टेलीविज़न पर, फिल्मों में देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा
उस इलाके में घर जो होते हैं ना उसका छत चपटा नहीं होता, सपाट नहीं होता। हमारे यहाँ घरों के रूफ जो होते हैं, हमारे घर के जो छत होते हैं, हमारे बिल्डिंग के जो रूफ होते हैं वो तो फ्लैट होते हैं। उस पर हम लोग गर्मियों में बैठते हैं, सोते हैं, जाड़े में धूप भी सेकते हैं, कपड़े सुखाते हैं, अनाज सुखाते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में घर ऐसे नहीं होते। उनके जो रूफ्स होते हैं वो स्लैंटेड होते हैं, तिरछे होते हैं, तिरछे कॉटेज झोपड़ी की तरह के होते हैं, उस तरह के। क्यों ऐसा होता है? सो दैट स्नो और रेन कैन स्लाइड ऑफ द रूफ। वहाँ ठंड पड़ती है ना, वहाँ बर्फबारी होती है, बर्फ गिरता है। अगर ऐसा रूफ नहीं होगा तो इस सारा का सारा बर्फ कहाँ जमा हो जाएगा? छत पर। छत पर बर्फ जमा हो जाएगा तो आप नीचे सो नहीं पाएंगे, नीचे इतनी ठंडक पड़ेगी। और स्लैंटेड रूफ होने की वजह से सारा का सारा आइस जो है फिसल कर नीचे गिर जाता है ना। तो इसलिए वहाँ के जो रूफ्स होते हैं वो स्लैंटेड होते हैं, तिरछे होते हैं। इन विलेजेस पीपल बिल्ड हाउसेस फ्रॉम स्ट्रॉ मड एंड बैम्बू। गांवों में हालांकि अब तो लोग पक्का घर बनाने लगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उन्हें उतने पैसे नहीं हैं, तो वे कैसा घर बनाते हैं? कच्चा हाउस बनाते हैं। वे बनाते हैं घास फूस या फिर बांस, मिट्टी का यूज़ करते हैं, कुछ झाड़ियों का यूज़ करते हैं। एंड दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। ये कच्चा हाउस होता है, कच्चा इसलिए होता है कि ये कभी भी टूट सकता है। फॉर एग्जाम्पल हट, झोपड़ी। देर आर सम स्पेशल हाउसेज टू। कुछ स्पेशल हाउस होते हैं, ये अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, हर जगह देखने को नहीं मिलता है। जैसे देखो तो एक हाउस बोट, फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी पे तैरने वाला बोट होता है, हाउस बोट। ये हाउस बोट कहाँ देखते हैं आप? अगर कभी श्रीनगर गए हैं जैन के जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर है ना डल झील, बहुत बड़ा लेक है जिसे डल लेक कहते हैं, और वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ आपको इस प्रकार के पानी में चलने वाले हाउस बोट मिलेंगे। वो घर ही बना हुआ है, वो एक्चुअली बोट है। अ कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील्स। ये देखिए तो पिक्चर नंबर फर्स्ट में, ये क्या है? ये तो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ही एक घर बना लिया गया है। और ये जगह जगह घूमते हैं जो लोग होते हैं ना, प्रीचर्स होते हैं, उपदेश देने वाले, प्रवचन देने वाले, तो वो इस प्रकार के घरों में सफ़र करते हैं, जहाँ कहीं भी वो रुक करके वो प्रीच करते हैं, लोगों को बताते हैं, उपदेश देते हैं। एंड इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो। इग्लू के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, बर्फ का बना हुआ घर देख रहे हैं ना पिक्चर नंबर सिक्स। ये कहाँ होता है? ये पोल्स पर होता है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अ टेंट हाउस इज मेड ऑफ अ सीट ऑफ कैनवास और नायलॉन। ये टेंट का बना होता है, ऐसा देखिए तो पिक्चर नंबर फाइव में टेंट हाउस, ये टेंट का, तिरपाल का बना होता है। और ये टेम्प्रेरी हाउस होता है, टेम्प्रेरी हाउस होता है, इसे फिर यूज़ के बाद हटा लिया जाता है। लॉग कैबिन्स आर स्मॉल हाउसेज मेड ऑफ टिम्बर लॉग। अच्छा, ये टिम्बर लॉग, लकड़ियों का बना हुआ हाउस भी होता है बहुत सारे इलाके में, जहाँ भूकंप अक्सर आता रहता है वहाँ लोग लकड़ियों का घर बनाते हैं। स्टिल्ट हाउस बिल्ट ऑन वुडन पोल्स आर फाउंड इन प्लेसेज वेर इट रेन्स अलॉट सच एज असम एंड मेघालय। हमारे देश में असम और मेघालय जैसे स्टेट्स जो होते हैं ना, वहाँ काफ़ी बारिश होती है और बराबर बाढ़ आ जाता है, घरों के आसपास पानी जम जाता है, घरों में भी पानी घुस सकता है। तो इसलिए वहाँ पर लोग कैसा घर बनाते हैं? बांस के खंभे, बिल्कुल ज़मीन पर घर नहीं बनाते हैं, ज़मीन से ऊपर घर बनाते हैं, बांस के खंभों पर घर बनाते हैं, देख रहे हैं ना, या लकड़ियों पर घर बनाते हैं। ये स्टिल्ट हाउस है। अब इसमें बाढ़ भी आ जाएगा तो पानी तो अंदर जाएगा नहीं। तो दीज आर सम स्पेशल हाउसेस, ये नॉर्मल हाउसेस नहीं है, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, दे आर सम स्पेशल हाउसेस। तो ये छह तरह के स्पेशल हाउसेस के बारे में आपको जानना चाहिए। अब कहता है ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ स्पेशल हाउस ऑफ योर चॉइस एंड डिस्प्ले इन योर क्लास। इस छह में से कोई एक हाउस का आपको पिक्चर ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट पर, और इसे क्लास में दिखाना है, टीचर्स को भी, बाकी के स्टूडेंट्स को भी। टाइम टू आंसर, सर्किल द करेक्ट वर्ड। अब बताइए तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको बताना है, बंगलोज को कहेंगे या अपार्टमेंट्स? बंगलोज नहीं, अपार्टमेंट होगा। मल्टी स्टोरी तो अपार्टमेंट होता है, मल्टी स्टोरी होते हैं, उसमें फ्लैट्स भी कई होते हैं, कई फैमिलीज रहते हैं।
हाउसेज दैट फ्लोट ऑन वाटर, पानी में तैरने वाला हाउस कौन होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट बताया है। हाउस मेड ऑफ आइस, आइस का बना हुआ हाउस, उसको क्या कहते हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, ये नाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्यारा सा नाम है, आपको पता होगा, मैं नहीं बताने जा रहा। हाउस मेड ऑफ टिम्बर लॉग, टिम्बर लॉग लकड़ियों पर बना हुआ, टिम्बर लॉग पर बना हुआ, लकड़ियों पर टिका हुआ जो हाउस होता है, अभी हमने देखा उसे स्टिल्ट हाउस कहते हैं, बाढ़ वाले इलाके में होता है। अब घर के बारे में तो हमने देख लिया, अब हमें देखना है क्लीनिंग ऑफ हाउस, घर की सफाई भी तो जरूरी है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शुड वर्क टुगेदर टू कीप द हाउस क्लीन, नीट एंड टाइडी, घर को साफ सुथरा सजा धजा रहने के लिए सभी लोगों को काम करना चाहिए, सब लोगों को मिलकर। वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन इन द फॉलोइंग वेज, घर को कैसे साफ रख सकते हैं, स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे, घर में डेली झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। लेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट इंटर द हाउस, सनलाइट सूर्य की रोशनी और हवा भी घर के अंदर आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खिड़कियों को बंद हम रखें। दिस कैन बी डन बाय ओपनिंग द विंडोज एवरी डे, विंडोज खिड़कियां रोज खुलनी चाहिए, इससे होगा क्या, फ्रेश एयर आएगा, ताजी हवा अंदर आएगी और सनलाइट भी आएगा। फिक्स अ वायर नेट ऑन डोर्स एंड विंडोज टू कीप फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स अवे, आप अपने दरवाजे पर खिड़कियों में जाल लगवा दीजिए, नेट लगवा दीजिए, नेट लगवा देने के बाद मक्खियां या और भी इंसेक्ट्स आपके घर इन नहीं कर पाएंगे। कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूज, ये घरों में डिसिप्लिन होना चाहिए, आप किसी सामान का यूज करते हैं तो फिर से उसे उसी जगह पर रख दीजिए, उसके सही जगह पर, ठीक ना। ऐसा तो है नहीं कोई सामान हमने उठा लिया फिर जहां तहां रख दिया, अब खोज रहे दूसरा कोई खोज रहा है उसे मिल नहीं रहा, ये तो अच्छे घर की निशानी नहीं है। रिमूव कॉबवेब्स फ्रॉम द हाउस वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार कम से कम मकड़ी का जाल जरूर साफ करना है, संडे को छुट्टी तो इसीलिए रहती है ना। डिस्पोज ऑफ गार्बेज एवरी डे, कचरा डेली फेंकना है। थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन डस्टबिन, आप अपने घर के सारे गंदगियों को डस्टबिन में रखिए। कीप टू डस्टबिन, दो डस्टबिन रखना है, हरा नीला वाला भी आ रहा है ना, वन फॉर वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील एंड ड्राइड लीव्स एंड द सेकेंड फॉर वेस्ट लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक बैग्स, एक में रखना है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जैसे सब्जियों के छिलके या सूखी पत्तियां या ये पेपर्स वगैरह, ये सारा रखना है। और दूसरे में रखना है ऐसा चीज़ जो सड़ता नहीं है, ऐसे चीज़ों को जैसे ग्लास, प्लास्टिक बैग्स, इन चीज़ों को। बाथरूम मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली, इट मस्ट बी केप्ट ड्राई, बाथरूम को तो रोज साफ करना है आपको, और इसे साफ सुथरा भी रखना है और सूखा भी रखना है, ड्राई भी रखना है, ठीक ना। ये देखिए तो यहाँ बताया गया है कॉबवेब, कॉबवेब मकड़ी के जाली को कहता है, स्ट्रक्चर लाइक अ नेट मेड बाय स्पाइडर, मकड़ी के द्वारा बनाया हुआ जाल के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे कॉबवेब कहते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है, कॉबवेब। टाइम टू आंसर, राइट एनी थ्री वेज इन योर नोटबुक बाय विच यू हेल्प योर मदर टू कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन, आप अपने घर की सफाई साफ, घर की ज़्यादातर सफाई कौन करती है, घर की ज़्यादातर सफाई तो आपकी मम्मी करती होंगी, है ना। तो आप अपनी मम्मी को घर साफ रखने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कोई तीन तरीका बताना है। एंड लास्ट इज डेकोरेटिंग अ हाउस, घर को साफ तो हमने रख लिया, थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, घर को सजा कर रखेंगे। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस इन डिफरेंट वेज, हम कई तरह से घर को डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन एड्स ब्यूटी टू अ हाउस, सुंदर बनाता है घर को, ये डेकोरेशन, डेकोरेटेड हाउस जो होता है वो सुंदर दिखता है। दिस कैन बी डन इन डिफरेंट क्रिएटिव वेज एज गिवन बिलो, कई तरह से हम घर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसे डेकोरेट कर सकते हैं। सम पीपल यूज हैंडीक्राफ्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स टू डेकोरेट देयर हाउस, कुछ लोग हाथ के बने हुए कुछ सामानों से घर को सजाते हैं, वैसे सामानों को क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स। सम ड्रॉ ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन डोर एंड विंडोज, कुछ लोग क्या करते हैं, घर के
दरवाजे पर और खिड़कियों पर ब्यूटीफुल पैटर्न डिजाइन बना देते हैं, बाहर से दिखने में ये अच्छा लगता है। एंड ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विथ फ्लावर्स, रंगोलीज, कलरफुल इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स, कैंडल्स, पेंटिंग्स, दियाज एक्सेट्रा। फेस्टिवल वगैरह का टाइम आ जाता है तो हम लोग घरों को सजाते हैं, रंगोली से भी सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, कलरफुल इलेक्ट्रिक लाइट्स से तो सजाते ही हैं, अलग अलग रंगों के कैंडल्स से भी सजाते हैं दीपावली में, पेंटिंग्स पेंटिंग कर देते हैं कलरफुल पेंटिंग, एंड दिया दिया से भी सजाते हैं। तो ये हुआ आपका डेकोरेशन। डेकोरेशन ज़रूरी है, डेकोरेट करना चाहिए, हमें ये शौक होनी चाहिए कि हम अपने घर को डेकोरेट करके रखें। क्या आप जानते हैं कि रंगोली इज नेम्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट इंडियन स्टेट्स? लाइक अब आप रंगोली तो जानते ही हैं, आपके स्कूल में तो रंगोली का कॉन्टेस्ट भी हर साल होता है, आप देखते होंगे दीपावली पर, दिवाली में रंगोली कॉन्टेस्ट होता है, बच्चे एक से एक डिजाइन के खूबसूरत रंगोली बनाते हैं। तो आपके घरों में भी आप दिवाली में रंगोली बनाते होंगे और भी कुछ डिफरेंट ओकेजन्स पर रंगोली बनाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि रंगोली हम लोग बोलते हैं उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कोलम साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में केरला तमिलनाडु वगैरह में इसे कोलम कहते हैं। मदाना राजस्थान में इसे मदाना के नाम से जानते हैं। अल्पाना बंगाल में इसे अल्पाना बोलते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया में यूपी हरियाणा वगैरह में इसे चौकपूर्णा कहते हैं। चौकपूर्णा, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ रंगोली अक्रॉस आवर कंट्री। तो ये था आपका चैप्टर, हाउ डू यू डेकोरेट योर हाउस ऑन अ फेस्टिवल। दिवाली एंड क्रिसमस, क्रिसमस तो हमारे यहाँ मनाया नहीं जाता है, दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, तो दिवाली में हम घरों को कैसे डेकोरेट करते हैं, आप लिखें यहाँ पर, आपको खुद लिखना है कि आप प्रीवियस पिछले दिवाली में आपने घर को कैसे डेकोरेट किया था। अब कहता है सर्कल द थिंग्स यू कैन यूज टू डेकोरेट योर हाउस। अब यहाँ पर देखिए तो वैसे चीज़ों को सर्कल करना है जिससे आप घरों को डेकोरेट कर सकते हैं। शैम्पू, शैम्पू से डेकोरेट करेंगे, कैंडल्स, कैंडल्स से डेकोरेट करेंगे, गार्बेज कचरा, कचरा से तो डेकोरेट कैसे किया जा सकता है, कचरा से घर को डेकोरेट, फ्लावर्स, शूज, जूतों से घर को डेकोरेट किया जा सकता है क्या, लाइट्स आपको खुद करना है। और अब कुछ इसमें एक्सरसाइज हैं, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में, डेकोरेशन, स्टिल्ट, शेल्टर, डस्टबिन, बंगलोज, दीज ऑल वर्ड्स ऑल टर्म्स आर डिस्कस्ड टुडे इन दिस वीडियो, सो दिस शुड बी डन बाय यू योरसेल्फ। आवर हाउस प्रोवाइड्स अस, हमारा घर हमें क्या देता है, शेल्टर देता है। बिग इंडिपेंडेंट हाउसेज इन सिटीज आर नोन एज, बड़ा हाउस बिल्कुल अलग, उसमें और कोई नहीं रहता है, बस अलग एक ही फैमिली रहता है, कॉल्ड बंगलोस। अब आपको खुद बनाना है। डैश हाउसेज आर बिल्ट ऑन वुडन पोल्स, वुडन पोल्स पर क्या बनाया जाता है, अब मैं नहीं बताऊंगा। वी शुड थ्रो ऑल वेस्ट मटेरियल्स इन, अपने घर के सारे गंदे पदार्थ को क्या चीज़ में जमा करना है। डैश एड ब्यूटी टू हाउस, और क्या करने से घर सुंदर हो जाता है, डेकोरेशन से घर सुंदर हो जाता है। ट्रू एंड फॉल्स, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, घर हमें बचाता है गर्मी से, ठंड से, बारिश से, ये तो ठीक है, ट्रू। वी मस्ट क्लीन आवर हाउस वंस अ वीक, हमें घर की सफाई सप्ताह में एक दिन करना चाहिए, तब तो घर गंदा ही हो जाएगा, डेली करना होता है तो ये फॉल्स हो गया। अपार्टमेंट्स आर फाउंड इन विलेजेस, गांवों में अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जिसमें कई फ्लैट्स होते हैं, कई फैमिलीज रहते हैं, वो देखा जाता है, ऐसा आप देखते हैं गांव में क्या। कारवां इज अ हाउस ऑन व्हील्स, गाड़ियों चक्के पर चलने वाला घर, घूमने फिरने वाला घर को कारवां कहते हैं। अब आपको खुद बनाना है। अनस्क्रैम्बल, अनस्क्रैम्बल द आंसर, आप इस वीडियो को बगैर देखे इसे बनाने की कोशिश करें और फिर चेक करें कि आपने सही बनाया या नहीं। आई अलाउ फ्रेश एयर टू इंटर द हाउस, मैं आपके घर में फ्रेश एयर इंटर करने देता हूँ। हु एम आई एम विंडो,
मैं विंडो हूँ, खिड़की। यू यूज़ मी टू थ्रो वेस्ट, तुम घर की गंदगियों को फेंकने में मेरी हेल्प लेते हो। हु एम आई? आई एम डस्टबिन। यू स्वीप द फ्लोर यूजिंग मी, तुम मेरी मदद से घर में झाड़ू लगाते हो, मेरे ही हेल्प से तुम स्वीप करते हो। तो झाड़ू को क्या कहते हैं? ब्रूम कहते हैं, ब्रूम। यू यूज मी टू डेकोरेट योर हाउस, तुम मेरा इस्तेमाल घर को सजाने में करते हो। आई एम फ्लावर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी ऑल नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों है? तो घर की जरूरत क्यों है, यहीं से तो हमने इस चैप्टर का को स्टार्ट किया था। क्यों जरूरत है, ये देखिए, थ्री नीड्स ऑफ आवर हाउसेज, ये हमने भी डिस्कस किया। बिकॉज हाउसेज प्रोवाइड्स अस शेल्टर, प्रोवाइड अस शेल्टर, दे कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड विल्ड एनिमल्स। ये आपको लिखना है, तीन कारण, तीन फायदा, तीन नीड, घर की तीन जरूरत। व्हाट आर कच्चा हाउसेस? कच्चा हाउस क्या होता है? कच्चा हाउस किन चीजों से बना होता है? अभी आपने देखा ना, इसे ढूंढिए, कच्चा हाउस। कच्चा हाउस किन चीजों से बना होता है? बिल्कुल टेम्पररी हाउस है। क्या चीज से बना होता है? स्ट्रॉ, मड एंड बैम्बूज। हाउसेज मेड ऑफ स्ट्रॉ, मड एंड बैम्बूज आर कॉल्ड कच्चा हाउस। एंड पक्का हाउस क्या चीज का बना होता है? हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, स्टील एंड आयरन आर कॉल्ड पक्का हाउसेज। कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज। पक्का हाउसेज आर परमानेंट हाउसेज। लिस्ट सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन। हम अपने घरों को साफ कैसे रख सकते हैं? दो तरीका बताओ, दो तरीका लिख देना बस। एंड हाउ डू पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज फॉर फेस्टिव ओकेजन्स? जब फेस्टिवल आ जाता है तो हम घरों को कैसे डेकोरेट करते हैं? आप कोई दो तरीका बता दीजिए, किन चीज़ों से डेकोरेट करते हैं। तो ये रहा हमने इस चैप्टर में हाउसेस के बारे में पढ़े, हाउसिंग, अपने घरों के बारे में। हाउसिंग वी नीड, घर की हमें ज़रूरत है, घर को साफ रखना है, घर को डेकोरेट करके रखना है। और ये था आपका सिक्स्थ चैप्टर ईवीएस का। इसे आप पढ़ेंगे, बुक भी पढ़ेंगे और वीडियोस को भी देखेंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। थैंक यू।